7th मार्च इन्हों जो गए सो वीजा की कॉपी है आपके ने जी हाँ तूने एजेंट लोकल एजेंट कौन है जी वो यहाँ विजयनगर कॉलोनी में मैं रहती हूँ ना फिलहाल जो है ना वही दुबई में सेटल है नहीं आपको ये उनके लोकल एजेंट का नाम नहीं मालूम आपको जी अली है उनका नाम उनका नाम नंबर जी हाँ है इसमें यहाँ पर मेंशन करी उनका नाम नंबर जी ये ठीक ये लोकल एजेंट है और ये कंपनी के इनका नाम है अली बावजीर लोकल एजेंट है जी अली इनकी ऑफिस कहाँ है दुबई में रहते हैं अच्छा इन्हें दुबई में रहते हैं जी जी तो ये कंपनी के ओनर हैं ये मुस्तफा ये कौन है मुस्तफा ये मुस्तफा कंपनी के ओनर है ये चाय कंपनी है जरा बच्चा हूँ खामोश बैठा उधर जी उनकी कंपनी जो है ना ये आईटी की कंपनी है कुछ इसमें नहीं ये जो मुस्तफा है इन्हू कहाँ के हैं इंडिया के हैं बांग्लादेश के हैं इन्हू बांग्लादेशी हैं क्या आपसे कुछ पैसे लिए इन्हू जी नहीं नहीं लिए पैसे नहीं लिए तो टिकट उनका वीजा उनका बोल के आपके बच्चे को भेजे क्या काम पे बोले आपको क्या काम बोले बच्चे को मेरे को यहाँ पर बोले कि जो है बैंक का क्रेडिट कार्ड का मार्केटिंग का जॉब है बोल के बोले क्रेडिट कार्ड का मार्केटिंग का जॉब है बोले क्रेडिट कार्ड का मार्केटिंग जी कौन से क्रेडिट कार्ड का कोई एक बैंक का था जी बैंक का या अलग अलग बैंकों के क्रेडिट बैंक का बोल के कौन सा बैंक नाम बोलिए नहीं बोले बैंक का नाम आपको नहीं मालूम कीजिए तो वहाँ पर जाने के बाद में उनको आईटी एप्लीकेशन मैनेजर का जॉब लगा अच्छा आईटी एप्लीकेशन मैनेजर जी कंपनी का नाम रुपनल कंपनी कौन सी कंपनी में लगा इनको खाली आईटी एप्लीकेशन मैनेजर बोल के है इसमें कंपनी का नाम नहीं दे रहे ना कहीं भी डायरेक्टर एक मिनट जरा मेरे को वीजा चेक करने दीजिए आप देखिए इसमें कोई कंपनी का जिक्र नहीं है जी ये डायरेक्टली जो है जी अच्छा यहाँ है ना रुकन RUKNLTMAM नेटवर्क ये कंपनी है बोले ये शारजा में जी, क्या सैलरी क्या बात करे सैलरी फोन पे बात करे थे वहाँ पर मेरे हस्बैंड नहीं आप मेरे को ये बोलो यहाँ जो लोकल एजेंट है इन्हें इनको मुंबई लेके जाके कोई इंटरव्यू दिला के लेके गए या खाली खाली फोन पे बात करके भेजा दिए हाँ फिर क्या हुआ आपके बच्चे को जाने के बाद में हमने जो है उनके अकाउंट खुला है उनके नाम पे दुबई के नेशनल बैंक में किसके नाम पे ये आपके मोहम्मद शोएब खान के नाम पे अकाउंट खोले जी कौन खोले इनके बॉस खोले जी इनके बॉस का नाम क्या है मुस्तफा ये जो मुस्तफा बांग्लादेशी है ये हाँ और एक रासल खाना के बैंक में भी और एक अकाउंट खुलवाए नहीं अब कौन से बैंक में खोले दो बैंकों के नाम बोलो कौन सा एक बैंक कौन सा जी दुबई का नेशनल बैंक है आपके बच्चे से मेरे को बात करा सकते हैं आप इसमें बैंक के डिटेल्स भी है देखिए नहीं कौन से दो बैंक कौन से जो इन अकाउंट खुला है जी एक रासल खेमा के बैंक में खुला है नहीं माँ बैंक का नाम बोलो आप रासल खेमा मुखाम का नाम है रैक बैंक बोलते हैं अच्छा आर ए के बैंक जरा मेरे को आपके बच्चे से बात करा दो ना पूरा डिटेल मालूम हो जाता मेरे ये लेजर में ये कंप्लेंट भी करे थे वहाँ पर तो उन्हें क्या करे इन्फॉर्म करिए कंप्लेंट करने से उन्हें क्या करे एब्सकॉन्डिंग डाल दिए बच्चे के ऊपर
उनके वॉइस मैसेजेस भी है मेरे पास। किसके वॉइस मैसेजेस? जी लिखा के उनके बोल रहे हैं वॉइस मैसेजेस में कंप्लेन करे तो मैं अकाउंटिंग में था तो मुझे बोले थे। तो इनो वहाँ पर जो अभी इनो कहाँ पर है? इनो शारजा में है। अभी इनो दुबई में है और इनके जो है ना पर्सनल चीज़ें पूरे क्रेडिट कार्ड एटीएम और पासपोर्ट एमिरेट्स आईडी सब उन्हीं के पास है। किसका नहीं है? मुस्तफा के पास है। ये इनके हाँ बॉस के पास है इनके पास। अच्छा आपके बच्चे के नाम पे अकाउंट खोले इनो? जी खोल के कितने का लोन उठाए इनो? लोन के वो अकाउंट कैंसिल करने से उन्होंने लोन नहीं ले सके सिर्फ क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लिए। अच्छा कौन से इनके नाम पे जो क्रेडिट कार्ड्स बनाए? जी वो क्रेडिट कार्ड्स कौन के कौन से बैंक के थे? वो रैक बैंक रास अल खैमा बैंक है। जी एक क्रेडिट कार्ड था दो थे? एक क्रेडिट कार्ड। एक क्रेडिट कार्ड पे कितना लोन ले कितना अमाउंट खर्चा करे उन्होंने? तो इंडियन 2-2 लाख वहाँ के? नहीं इंडिया के। नहीं कैसा कैसा कब कब खर्चा करे? एक ही बार में ट्रांसैक्शन उसका निकाले या क्या? नहीं माँ जो नया नया क्रेडिट कार्ड रहता ना उसको एकदम ज्यादा लिमिट नहीं देते उसको जी। उसको क्या करते हैं कुछ लिमिट बनाते उसको जी। उसके लिमिट 11,000 दिरहम है बोलते हैं। तो वही आपके बच्चे से बात कराए तो मैं पूरा डिटेल बात कर सकता हूँ ना उनसे। बच्चे के पास फोन भी नहीं है इतना परेशानी में है। बच्चा मेरा फोन खराब हो गया उनका उनको खाने के लिए रहने के लिए प्लेस नहीं है बहुत मुश्किल से गुजर रहा बच्चा। कोई दोस्त है तो उनसे कॉल पे बात कर सक रहे बस हम। इनकी सैलरी थी 10,860 जी। ये देखिए उन्होंने एटीएम का यूज कर रही है और वो पैसा इन्होंने पूछे सैलरी नहीं दे रहे बोले तो उन्होंने क्या करे एक ट्रांसैक्शन बताए यहाँ पर सैलरी में डाल दिया वो लेके स्क्रीनशॉट भेजे बच्चे को जब हेलो चलो चलो बात करो 8-20 मिनट आप बात करिए बेटे सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अमजदुल्ला खान बात कर रहा हूँ। जी खैरियत से? जी खैरियत। ये क्या क्या इशू क्या है आपका? आपके वालदा वालिद आए हुए हैं मेरे घर। जी 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 एक्चुअली ये क्या हुआ मालूम साहब, यहाँ पे मैं जॉब के लिए आया हुआ था, जॉब पे बुलाया था मेरे को विजिट वीजा। आप जो गए थे वो जॉब वीजा था? विजिट वीजा था वो? नहीं विजिट विजिट पे बुलाए थे। अच्छा यहाँ से आप जो गए पहले विजिट वीजा पे गए? जी लोकल एजेंट जो भेजा आपको? जी जी जी। यहाँ के लोकल एजेंट का नाम क्या है आपके? अली बावजीर। हाँ अली बावजीर है उनका नाम। कहाँ रहते हैं? टिकट भी उन्होंने ही भेजे थे। इनो तो इंडिया में कहाँ रहते नहीं मालूम अभी तो उन्होंने फिलहाल। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलिए सुन रहा हूँ। जी आ रही आवाज आपको? हाँ हाँ आ रही बोलिए। अली बाबा जी जो है उन्होंने यहीं पे दुबई में। अच्छा उन्होंने भी इंडिया में था उन्होंने दुबई से मेरे को विजिट वीजा और टिकट यहीं से भेजे थे उन्होंने। कैसा आप दोनों कांटेक्ट में कैसा है? वो वहाँ पे घर के बाजू मेरे अफान बोल के दोस्त है। हाँ। ये अली बाबा जी जो है उनके दोस्त है। अच्छा जी तो आप कौन सी तारीख को गए आप यहाँ से? मैं मार्च 13th को गया। आप 13th मार्च 2023 जरा जल्दी जल्दी बात करिए आप बहुत स्लो बात कर रहे हैं। जी जी तो आप गए मार्च 2023 मार्च में गए तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आप 9 महीने से है वहाँ पर? जी हाँ 9 महीने
भेज रहा हूँ, बस खाली वीजा लगा दे के बस काम पे बुलाते बोल गया, ऐसी थका दिए। नहीं आप जब नहीं आप सुनिए मेरी बात, आप स्टार्टिंग जो गए विजिट वीजा पे गए जी, आपका विजिट वीजा खत्म होने के बाद में उन्होंने आपको जॉब वीजा बनाया उन्होंने जी, मेरा रेसिडेंस वीजा जब बनाया उन लोग, रेसिडेंस वीजा बना के आपको एज ए आईटी एप्लीकेशन मैनेजर अपॉइंट करे, आपको 10,000 धीरम सैलरी भी देते बोले उन्होंने। एग्जैक्टली आपको ये हर महीना 10,000 धीरम सैलरी दिए उन्होंने? नहीं दिए, ये पूरे 8 महीने में 9 महीने में एक महीना भी नहीं दिया आपको सैलरी? नहीं कुछ भी नहीं दिए सर। अच्छा ये आपके नाम पे अकाउंट कौन से बैंक में खुला है उन्होंने? एमिरेट्स एनबीडी में खुला है जी, एमिरेट्स एनबीडी, ईएनबीडी, एमिरेट्स एनबीडी जी। क्या इसका फुल फॉर्म क्या है, एमिरेट्स एनबीडी का फुल फॉर्म? नेशनल बैंक दुबई। अच्छा हेलो, नेशनल बैंक दुबई। ओके तो ये आपसे इन्हों क्या लोन उठाए आपके नाम के क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया उन्होंने? नहीं मेरे नाम से क्रेडिट कार्ड निकाल के यूज करे। एक्चुअली क्या हुआ बोलिए, मैं बोल तो देखिए साहब आपको, हाँ। वो ऑफिस पे बुलाए थे, हाँ। ऑफिस पे बुला के मेरे को बिठाए करे, सिस्टम वगैरह जो भी है दिखा दिए, ये आपका सिस्टम है, ये आपकी कैबिन है, सब दिखा दिए जी। फिर उसके बाद से कोई बैंकर्स आए, हाँ। जी बैंकर्स आए तो उन लोग को बोले कि मेरे को बोले पहले ये आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं लोग, आपके एक्सपेंसिव जो भी होते ना आपके, वो आपके खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड देते बोल के, वो हिसाब से क्या करे बना दिए, अकाउंट खुला दिए मेरा वहाँ पे, हाँ। क्रेडिट कार्ड देते आपको ये देते हैं तो फैसिलिटी हमारी ये वगैरह वगैरह बोल के। नहीं आपको एक क्रेडिट कार्ड दिए, दो दिए आपको? नहीं मेरे हाथ को आई नहीं सब अभी तक कुछ भी मेरे पास, हालांकि मैं आईडी मिली। और एक चीज क्या हुआ था बोले तो, मेरे नाम पे लोग सिम भी निकाले थे, हाँ। जी वो सिम उन लोग निकाली है, वो भी सिम उन लोग ही यूज कर लिए। अच्छा पूरा सिम तो मेरे पास सिम नहीं थी। तो आपका क्रेडिट कार्ड का पिन भी उनका नहीं था, हर चीज था उन्हों? अच्छा कितने पैसे मार लिए वो लोग आपके क्रेडिट, आपके नाम के क्रेडिट कार्ड बना के? वो अभी कुछ नहीं मालूम साहब, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम हुआ अभी तक उन लोग कितने यूज करे क्या है। हाँ जी फिर आप भागे गए उनकने से? आप मैं भागा इसने उनके पास से, उन लोग ही खुद बोले रूम पे रखे उन लोग का ही रूम था, वो रूम पे रख के बोल रहे थे हम लोग बुलाते आपको, हम कॉल करके बुलाते बोले। जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो नहीं थोड़ा वेट करिए हम आपको कॉल करते बोल के बस ऐसे ही टहला रहे थे खाली। नहीं आपको कब मालूम हुआ ऐसा ये लोग आपके साथ फ्रॉड करे बोल के? मैं असल ये सीन क्या हुआ बोले तो, हमारे दोस्त साहब है, हाँ। मैं उनको बोला मैं ऐसा है भाई मेरे पास, देखो सिर्फ बुलाते बोल रहे लेकिन बुलाए नहीं अभी तक बोल के, जाके वो एमिरेट्स आईडी पे चेक करे, हाँ। चेक करे तो रासल खेमा बैंक में से मतलब ऐसा क्रेडिट कार्ड दिए बोल के उसमें आया, हाँ। जी। अच्छा आपके साथ ये जो फ्रॉड हुआ जी। आप जाके वहाँ पर इंडियन एम्बेसी या इंडियन काउंसलेट को रिपोर्ट करें आप? नहीं एम्बेसी में वो नहीं बात करा मैं। ठीक है हम यहाँ से क्या करते हैं, आपके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ आपको हेल्प करो बोल के या मिनिस्ट्री में हम लिखाते आपके, या मिनिस्ट्री को हम बोलते है, मिनिस्ट्री जो है इंडियन एम्बेसी को या उनको बोलती, आप जाके मिलो एक बार, वो लीगल हेल्प देते जी। तो अब आपका पासपोर्ट वगैरह भी उसके नहीं छे? सब मेरा पासपोर्ट आईडी कार्ड क्रेडिट कार्ड सब उसके पास ही छे साहब। ये जो मुस्तफा जो है आपका जो, इसकी कोई कंपनी है या नहीं, चुप खाली फ्रॉड है इन्हें? नहीं कंपनी मेरे को कंपनी के हिसाब से शो करे उन लोग, हाँ। ठीक है मैं बात करता हूँ, आपके वालदा है मेरे खाने,
मैं जो है आपका मिनिस्ट्री को मैं लिखता हूँ, देखेंगे इंशाल्लाह जो भी हेल्प हो सकता है। आप भी क्या करो, नहीं नहीं क्योंकि वहां पर अगर इंडियन एम्बेसी आपको लीगल हेल्प नहीं दी तो आपको वहां पर वकील भी ठहराना पड़ता। अच्छा, मैं देखता हूँ हमारे कोई लोग भी है तो। अब आप एट प्रेजेंट किधर है, दुबई में है बाप? जी हाँ, दुबई में हूँ मैं। ठीक है, मैं हमारे कोई लोग वहाँ दुबई में है तो बोलता हूँ आपको हेल्प करो बोल। ओके, थोड़ा देखिए ना सर प्लीज। अब वो आपको कांटेक्ट करना बोले तो कैसा, आपका ने क्या नंबर है वो? अभी ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ये नंबर पे बोले तो मैं व्हाट्सएप पे यूज कर, जी इस पे कर सकते। वो तो ये अपना दुबई का नंबर है, यहाँ का नंबर है ये? ये देखिए 971 जी 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 56579 3906, ये आपका नंबर है ये? देखिए इसमें जो है, मेरे दोस्त का फोन है ये, तो उनके फोन से बात करो। ठीक है, आपके दोस्त का नाम क्या है? फोन भी नहीं है। आपके दोस्त का नाम क्या है? नवीद है, नवीद। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फिलहाल तो अपन मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे केसेस में इंडियन एम्बेसी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती, तो अपने कुछ कोई वकील को ठहरा के लड़ना पड़ता वहां पर। हेलो, थोड़ा देखिए ना सर आप। ठीक है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ। ठीक 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 राजा होने
जैसे मैं मेरी तबियत का भी बोलते थे कि मैं आपको कमर के दर्द कमर की एक मिनट जरा अपन एक के बाद एक महीने को 1500 है फीस जी हाँ। तो 5 महीने की बनना है आप जी हाँ। तो 5 महीने की कितनी हो रही 1500 के हिसाब से 5,000-7,500 एक फीस हुई आपकी जी हाँ, एक बच्चे की फीस 7,500 हुई और एक दूसरी क्या है ये भी मेरी बहन की बच्ची है उन्होंने भी सेम मेरे बच्चे के साथ पढ़ते हैं स्कूल में फातिमा का सेम उनका नाम उनका भी सेम मैटर है ये उनका लेके ये नीचे मेरे बच्चों का मेरे 3 बेटियां ठीक 2 बेटे एक आपका नाम नाजिया असकरी नाजिया असकरी मैं परसों आपको बोली ना वीडियो में ठीक है समझ गया तो आप मेरे को कोई अकाउंट नंबर दिए नहीं आपको दी थी मैं अकाउंट नंबर दी थी आपको फोन पे गूगल पे है बिल के नंबर दे दिया नहीं माँ जी मेरे को अकाउंट नंबर बैंक अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड जी बैंक जी, ब्रांच गूगल पे ये सब होना कहाँ हैं जी आप फोन में से निकालो निकालो माँ पूरा रेडी करके आना आप लगा सॉरी मैं कितना आइडिया नहीं था इसके बारे में परसों आपको 1 घंटा समझाया ना मैं गूगल पे फोन पे चलो ठीक है भाई देखो बहस करे तो और टाइम खराब होता सॉरी सॉरी मेरा हॉटस्पॉट नहीं सॉरी तो अपना किसी का हॉटस्पॉट जो मैं तो वाईफाई में हूँ अब वो सब करके आओ तो आप बाजू जो बैठो पूरा रेडी करके आओ मेरे कने पूरा असल द मेन थिंग इज अकाउंट गूगल पे आपका नाम क्या है बैठो माँ बुलाते वहीं बैठो आप किसके साथ है अम्मा आपका नाम हाँ हाँ क्या है बोलिए यशु हाँ आपके हस्बैंड नहीं बोले तो उन्होंने नहीं काम कर रहे नहीं कमा रहे उन्होंने हाँ गड़बड़ बंद करो भाई तो चलाते थे आप क्या बोल रहे मेरे को सुने नहीं आ रहा उन लोग गड़बड़ में आप दो जने पूरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं नहीं नहीं वो बेचारे अभी आए सो हाँ ऑटो चलाते थे तो ऑटो का एक्सीडेंट हो गया तो वो खराब हो गया तो स्क्रैप में डाल देंगे किराए का ऑटो चला रहे थे अभी तो वो कुछ भी नहीं है कारोबार कहाँ रहते आप फलकनुमा में तो आपके 2 बच्चों की फीस है बोल रहे ना आप एक की है ये बच्ची बच्चा दोनों की है बच्ची क्या पढ़ ली आपकी कहाँ से पढ़ ली सुल्तान उलूम से बच्ची की कितनी है फीस महीने की 14,000 तो पेंडिंग आपको मैं परसों उतना समझा के बोला क्या आप ऐसा लिखा के लाओ ना बच्ची का भी ये स्कूल ये बच्चे का दिए बच्ची का वो तो ये देते बोले बच्ची की 20,400 रुपये चलिए पूरे साल तमाम की नहीं बने ऑफिस जी हाँ वो एक्सीडेंट हो गया था ना तो किराए का चला रहे थे वो एक्सीडेंट हुआ सो कुछ है आपका नहीं रिपोर्ट नहीं नहीं हम जो है किसी को अपील करके आपको मदद कराते देखो हर किसी की फीस बन लेते नहीं बैठ सकते ना कोई स्पेशल केसेस रहा तो उनकी फीस बनते स्पेशल केस अब जैसा आप बोल रहे हैं कि भाई मेरे शौहर को एक्सीडेंट हुआ गाड़ी डैमेज हो गई तो मेरे को सबूत होना ना वो कुछ तो रहना ना गाड़ी की फोटो एक्सीडेंट हुई सो या मार लगा सो कोई मेडिकल रिपोर्ट कोई पुलिस केस तो आप बोले मैं यकीन कर लिया नहीं, सामने नहीं, वाले एक साल पहले में भी आई थी मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ सुनिए मेरी बात सब्जेक्ट टू द कंडीशन अब आप बोल रही कि मेरे बच्चे की फीस बनो मैं इसलिए नहीं बन सकी
कि ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम का क्या एविडेंस है मेरे को होना,